माय स्पाइस रूट किचन, बनाए कुछ इंटरेस्टिंग सा। व्हाट अबाउट अगेन इंडो चाइनीज? इंडो चाइनीज का मजा ही एक अलग है, कुछ नया भी हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और हमारा टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। तो आज हम बनाते हैं चिली पनीर, क्या कहते हैं, बनाएं, शुरू करें? तो चिली पनीर के लिए पनीर हम यूज़ करेंगे जो हमारा बिल्कुल हिंदुस्तानी है। तो उस पनीर को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, तो कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल को रख दिया गरम होने। जब तक ये गरम होता है तब तक हम अपने पनीर को थोड़ा सा मैदा लगा देते हैं। हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों लगाना है। मैंने पनीर को एक क्यूब में काट लिया है, इजी होगा खाने में बनाने में भी। मैदा एंड कॉर्नफ्लोर वी हैव टू यूज बोथ। तो 2-3 चम्मच मैदा, जितना मैदा उतना ही कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लगाने से पनीर बहुत क्रिस्प हो जाएगा। हमें बहुत क्रिस्प नहीं करना, थोड़े से कॉर्नर क्रिस्प हो जाए, इससे ये ना हो कि वो जब गर्म हो सॉफ्ट हो जाए और वो टूटता जाए। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत थोड़ा, चाइनीज है, चाइनीज सॉसेज डालेंगे। ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया और सॉसेज में भी सॉल्ट हो गया तो हमारी डिश गई, वो हम नहीं चाहते। सो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे जिससे कि ये सारा मैदा और कॉर्नफ्लावर पनीर के ऊपर चढ़ जाए। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा एक एक करके इसमें डालेंगे और पनीर को हल्का सा फ्राई होने तक तल लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। सो गाइस, यस, आई एम रेडी फॉर पुटिंग दिस इनटू द हॉट पैन। सो क्या करेंगे, पनीर लेंगे, इसको हल्का हल्का सा डस्ट कर लेंगे और गरम ऑयल में छोड़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा गोल्डन तक होने तक। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होने दूंगी मैं इसको, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड सा हो जाएगा, उसमें फिर मज़ा नहीं आता। अब हमने पनीर बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया इसका। और दिस पनीर कम्स आउट नाउ एंड इट इज रेडी टू गो इनटू द सॉस। इसके बाद अब हमने जब पनीर तल लिया, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं जो कि है पनीर को सॉस में डालना। तो की गैस ऑन और इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल, 2-3 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, काफी रहेगा। गार्लिक डाला इसमें, गार्लिक डालते ही जो अच्छी सी स्मेल आती है ना, जो एक इसका अच्छा सा अरोमा रिलीज होता है, वो बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देना, मत डालना, क्योंकि ये चिली पनीर है तो उसमें मैं थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। सूखी लाल मिर्च तोड़ तोड़ के इसमें डाल दें, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं पर सूखी का मजा अलग है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें जाएगा अनियन, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, दिस विल गो इन एंड वी विल स्टर फ्राई। इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम चलाएंगे और स्टर फ्राई करेंगे जिससे कच्चापन खत्म हो जाए, बस वेट नहीं करनी पूरे गलने की, सिर्फ कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाए। तो जब तक मैं ये कर रही हूँ, आप एक काम करो ना, जो आपके मोबाइल में सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए और लाइक का बटन भी दबाइए प्लीज, इतना तो करोगे मेरे लिए। अब इसमें हम अपनी सॉसेस डालेंगे, तो ये थोड़ी सी
3-4 tablespoons soy sauce, vinegar, malt vinegar I'm using here, tomato sauce, and chili sauce. इसी तरह से हिला दी। हिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा पानी, 1 स्मॉल टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1/4। और जब ये हमारी सॉस सारी मिक्स हो गई है, अब इसमें हम पनीर डालेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होता है जब हम इंडियन और चाइनीज को मिला के कुछ बनाते हैं। इंडो चाइनीज काफी इजी है, इज़न्ट इट? इसके लिए चाइनीज खाना सीखने के लिए आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए, थोड़े से हमारे वीडियोस देखिए और बनाइए और खिलाइए। This is all ready now, all ready to serve. Gas bun, and अब हम इसकी seasoning check करते हैं। इसमें नमक डालने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जितनी भी सॉसेज डाली हुई हैं वो सब में नमक था, तो इसलिए अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो नो एक्स्ट्रा सॉल्ट। अब हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं एंड सी दैट हमारी सॉसेज कैसी हैं। वेरी गुड, आप बनाए और आप भी मुझे बताएं आपका कैसा बना। नाउ इट्स रेडी एंड टाइम फॉर टेकिंग अप।